खूब हो रहा था प्रहार, बजट में पायलट और किरोड़ी से छीन लिया हथियार, क्या काम करेगा गहलोत का ये दांव। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को विधानसभा में मौजूदा कार्यकाल का आखिरी बजट पेश किया है। कुछ ही महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आए इस बजट में सरकार ने हर वर्ग को खुश करने की कोशिश की है। मुफ्त बिजली, सस्ता गैस सिलेंडर से लेकर मुफ्त दाल, नमक और तेल देकर वोट बटोरने की पूरी कोशिश की गई है। किसानों, महिलाओं और युवाओं को ध्यान में रखकर कई बड़े ऐलान किए गए हैं। गहलोत ने पेपर लीक के मुद्दे पर भाजपा से भी अधिक अपनी पार्टी के नेता सचिन पायलट की ओर से लगातार किए जा रहे हमलों को भी कुंद करने के लिए दांव चल दिया है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सीएम की घोषणा से प्रदेश के युवा और पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट कितने संतुष्ट होते हैं। दरअसल एक के बाद एक कई प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक हो जाने की वजह से प्रदेश सरकार को लेकर युवाओं में नाराजगी का माहौल बन गया है। आलम यह है कि कांग्रेस के अपने नेता, मंत्री और कई विधायक भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरने से बाज नहीं आ रहे हैं। साल 2018 से ही मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलने का इंतजार कर रहे पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भी इसे अपना बड़ा हथियार बना लिया था। पिछले कुछ समय से वे लगातार सरकार पर सवाल उठाते हुए युवाओं को अपने साथ जोड़ने की कोशिश में थे। भाजपा सांसद किरणलाल मीना भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाते हैं। ऐसे में शुक्रवार को जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजट पेश करने आए तो सबकी नजर इस बात पर थी कि युवाओं को लेकर अशोक गहलोत क्या ऐलान करते हैं। उम्मीद के मुताबिक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए अलग से टास्क फोर्स बनाने का ऐलान किया है। युवाओं को समयबद्ध रूप से रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए हम प्रयासरत हैं, लेकिन कभी कभी कुछ असामाजिक तत्वों की वजह से पेपर लीक की घटनाएं होती है। इन्हें रोकने के लिए एसओजी के अधीन आधुनिक साधनों से सुसज्जित स्पेशल टास्क फोर्स गठित करने की घोषणा करता हूँ। सभी भर्तियाँ सुचारू रूप से हो, इसके लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के सुदृढ़ीकरण के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है। हर जिले में ऑनलाइन परीक्षा केंद्र बनाने का ऐलान हुआ है। युवाओं द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रणाली के माध्यम से एक बार फीस देकर सभी भर्ती परीक्षाएं निशुल्क होगी। इस पर करीब 200 करोड़ रुपए का वित्तीय भार सरकारी खजाने पर आएगा। सीएम ने कहा कि अगले साल 100 मेगा जॉब फेयर लगाए जाएंगे। प्रदेश के प्रमुख कॉलेजों में कैंपस प्लेसमेंट की व्यवस्था होगी। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए दिल्ली और जिला मुख्यालयों में छात्रावास की सुविधा उपलब्ध करवाने की घोषणा की गई है। डिजिटल लाइब्रेरी की भी घोषणा की गई है।